स्वागत है आपका हमारे YouTube इशिका किचन में। आज हम बनाएंगे घर पे मुंबई वाली चटपटी भेल, जो कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। घर पे ही बनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक बार आप वीडियो को देखें और घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही लाजवाब बनी है। स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने ये प्याज ले लिया है बारीक कटा हुआ, और ये हमने टमाटर ले लिए हैं बारीक कटे हुए हैं, ये भी इनका हमने जो टमाटर का जूस होता है अंदर का बीज का वो हमने निकाल लिया था। और ये हमने खीरा ले लिया है बारीक कटा हुआ, उबले हुए आलू लिए हैं हमने जिसको हमने बारीक काट लिया है, और ये हमने हरी मिर्च ले ली है बारीक कटी हुई। और अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हमारी ये चावल वाली जो खिल्ली होती हैं वो डाल देंगे। इनको हमने थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई कर लिया था ताकि ये और भी क्रिस्पी हो जाएं। इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी मूंग की दाल, जो कि हमने भिगो करके फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था ऑयल में। और ये हम डाल देंगे मूंगफली की गिरी, ये आलू भुजिया, और ये हम डालेंगे भुगड़े, और ये हम डाल देंगे भुजिया करारे, और ये काजू डाल देंगे। और इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेते हैं एक बार। हम इसमें डालेंगे हमारी हरी चटनी, जो कि हमने धनिया, हरी मिर्च और पुदीने से बनाई हुई है, 1 से 2 चम्मच। और अब डाल देंगे ये लहसुन की चटनी, जो कि लाल मिर्च और लहसुन अदरक से बनाई हुई है, 1 चम्मच, तीखी वाली है ये। और अब डालेंगे हम इमली, खट्टी मीठी चटनी, जो कि हमारी इमली और गुड़ से तैयार की हुई है घर पे, 2 चम्मच। और अब हम डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार डालना चाहें आप। आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला। और अब इन सभी चीजों को कर लेंगे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स। और अब हम ये डाल देंगे नींबू का रस, जिससे कि हमारी भेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अब डाल देंगे हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी चीजों को कर लेते हैं मिक्स। और ये देखिए हमारी बहुत ही चटपटी और टेस्टी मुंबई वाली भेल बनकर के तैयार हो चुकी है घर पे, वो भी ओनली 5 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।